हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चीज़ी मार्गरेटा पिज्ज़ा और इसे हम बनाएंगे बिना ओवन के। रेसिपी बहुत आसान है, इसमें हम टॉपिंग का यूज़ नहीं करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले होममेड यहाँ पे हम बनाने वाले हैं पिज्ज़ा सॉस। तो यहाँ पे लिए हैं बड़े साइज के 4 टमाटर, गार्लिक, अदरक, 2 ओनियन और रेड चिलीज। उसके साथ लिया है सॉल्ट, ओरिगानो और ब्लैक पेपर। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालने वाली हूँ बारीक कटा हुआ ओनियन, और ओनियन को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ओनियन फ्राई हो चुका है, इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ अदरक और लहसुन, रेड चिलीज, इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। टमाटर भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं और टमाटर को हम अच्छी तरह से कुक करेंगे 5-7 मिनट के लिए। टमाटर यहाँ पे हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं, इसे हम ठंडा करेंगे और मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। हो चुका है, आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो, 1-1.5 महीने के लिए ख़राब नहीं होगा। अभी हम पिज्ज़ा का बेस बनाएंगे, तो उसके लिए 2 कप यहाँ पर लिया है मैदा, उसमें डालने वाली हूँ 1/2 कप सूजी। सूजी से जो हमारे पिज्ज़ा बेस है ना, क्रिस्पी बनेगा, इसलिए यहाँ पे सूजी आपको यूज़ करनी ही है। अब ऐड किया है शुगर, ईस्ट, 1 टेबलस्पून ईस्ट लिया है, स्वाद अनुसार नमक, अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसका हम एक डो बना लेंगे। डो हमारा रेडी है, इसे आपको अच्छी तरह से गूंदना है और 1.5 से 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। एक घंटा हो चुका है, जो हमारे डो है अच्छी तरह से फर्मेंट भी हुआ है। इसे हम थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा आटा है ना, कितना अच्छा स्टिकी बना है। इस तरह से आपको डो लगाना है, तभी आपको जो पिज्जा बेस है ना, खाने के लिए परफेक्ट मार्केट में जैसे मिलता है ना, उस तरह से रेडी होगा। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसका हम एक पिज़्ज़ा बेस बेल लेंगे। यहाँ पे जो हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे ना, थोड़ा पतला ही बनाएंगे, क्योंकि इसे हम ओवन में बेक नहीं कर रहे हैं, इसे हम डायरेक्टली तवे पे ही बनाने वाले हैं, थोड़ा पतला ही हम रखेंगे। अब ये रेडी है, एक फोर्क लिया है, उसे हम होल बनाएंगे, क्योंकि इसे हमें फुलाना नहीं है। डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और इसके ऊपर हम डालने वाले हैं हमारा पिज्ज़ा बेस, और 1 साइड से हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे 1-1.5 मिनट के लिए। 1-1.5 मिनट हो चुका है, 1 साइड से जो हमारा बेसन अच्छी तरह से कुक हुआ है, हम इसे पलट देंगे और इस साइड
फिर से हम इसे पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। नीचे के से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हुई थी उसे मैंने पलट लिया है और इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं हमारा पिज्ज़ा सॉस जो भी हमने घर पे बनाया था। चीज़ यहाँ पे मैं प्रोसेस चीज़ का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो मोजरेला चीज़ भी या फिर चीज़ स्लाइस भी यूज कर सकते हो। और चीज़ को हम मेल्ट करेंगे, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। चीज़ भी यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आप रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। इजी पिज्ज़ा खाने के लिए रेडी हो चुका है। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोमिस किचन।